अगर 2024 में इलेक्शन हो रहा है तो 2019 में जैसे गठबंधन हो गया था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी प्लस मतलब सुहेलदेव पार्टी, लोकदल और मतलब जो है क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी, ये सब मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ 49% हमारा वोट आ जाएगा। और 49% वोट आने पर 46% वोट बीजेपी का है आज के साथ, तो हम फिर से सरकार बना सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हम कम से कम 80 में से 70 सीटें जीत सकते हैं लोकसभा की। तो इसलिए ये हमें अपील करेंगे बहन जी से भी और माननीय अखिलेश जी से और सभी से मिलकर के, ये छोटे छोटे दल हैं बहुजन समाज के, इकट्ठे होकर के एक राजनीतिक गठबंधन बनाएं और जिससे हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका आपके पास नहीं है कि आप उनको शिकस्त दे सकें। उनके पास वोट परसेंट जो बहुत ज़्यादा है, उस वोट परसेंट को अकेले अकेले लड़ने पर उनको फ़ायदा होगा। तो हजारों प्रतियाँ हमारे पास हैं और हम बहन जी के पास भी, अखिलेश जी के पास भी इस प्रति को पहुंचाएंगे ताकि उनके समझ में आए और वो इसके ऊपर प्रयास करें। सर, आपके अखबार का मुख्य केंद्र बिंदु है अंबेडकरवाद जिंदा है जी। तो सर, ये अंबेडकरवाद शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, अंबेडकरवाद का शब्द का मतलब है जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना करना, और भारतीय संविधान का भी यही उद्देश्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की रचना करना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया था, तो जो बाबा साहब का उद्देश्य था वही भारतीय संविधान का उद्देश्य है। लेकिन लोग जो समझते हैं कि जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, वो पार्टियां अगर राजनीति में रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आज का मेला है अम्बेडकर जयंती का 1 से 31 में, तो लाखों लोग आपको तैरते हुए नज़र आ रहे हैं सड़क के ऊपर, लेकिन उसमें वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो वोट के रूप में कन्वर्ट जब भी होंगे, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे ना सभी, और अपना राजनीतिक मतलब जो प्रतिद्वंद्वता है, ईगो प्रॉब्लम है, उसको हटा करके, तो आपको जो राजनीति में वही दिखाई देने लगेगा जो समाज में अम्बेडकरवाद आपको नज़र आता है। तो इसलिए हम ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद में कोई दोष नहीं है, अम्बेडकरवाद जिंदा है। अगर कोई कमी है तो हमारे राजनेताओं के दिमाग की कमी है, जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है ऐसे कई तमाम पार्टियां हैं जो बाबा साहेब का नाम तो लेती है लेकिन उनके विचारों पर काम नहीं कर पाती है, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है। बाबा साहब के विचारों पर काम करने के लिए उनको थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेना पड़ेगी कि बाबा साहब क्या चाहते थे। तो बाबा साहब जो चाहते थे, जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सी पार्टियाँ जो बाबा साहब का फोटो लगाती हैं, जैसे आप पार्टी ने आपने देखा होगा अभी फ़ोटो का इस्तेमाल पंजाब में किया, दो फोटो का इस्तेमाल किया, उन्होंने भगत सिंह की फ़ोटो लगाई, बाबा साहब की फ़ोटो लगाई, उन्होंने दलितों का, जाटों का, ओबीसी का सारा वोट लेकर के पार्टी बना ली खाली फ़ोटो लगाने से। लेकिन हमारे लोग जब जानते नहीं हैं इसके बारे में, तो वो लोग जो फ़ोटो से ही वोट दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब का, भगत सिंह का, एससी एसटी ओबीसी का कितना क्रेज है लोगों के अंदर कि उसका फ़ोटो लगाने से ही वोट दे देते हैं। अगर हम सही तरीके से उनकी बात को अपनाएं तो फोटो के चक्कर में नहीं आएंगे, उनकी बाबा साहब की बात करने वालों के चक्कर में वो आकर के अपनी सही पार्टी को वोट देंगे। इसलिए अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी आज भी अम्बेडकरवाद का सच्चा रिप्रेजेंटेशन करती है, तो उसको ही मतलब उनको पहले प्रतिनिधि बनाना चाहिए अम्बेडकरवाद को अगर जिंदा रखना है। और दूसरी जो पार्टियाँ हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात करती हैं, उनका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्रचार तो कर रहे हैं। मोदी जी भी बाबा साहब का भी करते हैं, संविधान का भी प्रचार करते हैं, लेकिन उनका जो दलित लोग हैं उनके लिए फ्री में राशन दे करके उनका वोट लेना चाहते हैं, फ्री में बिजली दे करके लोग वोट लेना चाहते हैं, फ्री में पानी दे करके वोट लेना चाहते हैं। तो जब फ्री की जो आदत हमारे लोगों को पड़ी हुई है, जो दलित लोग हैं, जब तक वो फ्री की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक वो विचारों की कहाँ कदर करेंगे। फ्री वाले लोग विचारों की कदर नहीं कर सकते, तो इसलिए फ्री वालों को बाबा साहब का दर्शन पढ़ना पड़ेगा, तब उनके दिमाग की खुराक जब मिल जाएगी तो पेट की खुराक के लिए फिर काम नहीं करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि रोटी से ज़्यादा सम्मान और स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में मतलब भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि रोटी के लिए तो कुत्ता भी खा लेता है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान के बिना रोटी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पहले रोटी के लिए नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमें काम करना चाहिए। इसलिए राजनीतिक पार्टियों से भी हम लोगों की अपील है कि वो भी मतलब बाबा साहब के विचारों से अवगत हों और उनके विचारों को खाली वोट लेने के लिए ही नहीं, उनका अच्छा से पालन करें, चाहे जीतें ना जीतें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अपने मतलब प्रचार के द्वारा
जन जन तक लोगों को अपना मिशन तो पहुंचाएं कम से कम। खाली जीतना ही उद्देश्य नहीं होता राजनीतिक पार्टी का, एक मैसेज देने का भी उनका उद्देश्य होता है। तो इसलिए ये हमारी सभी से अपील है। तो सर क्या सभी पार्टियों के लिए बहुजन समाज या दलित सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने 2022 का इलेक्शन आप देख लीजिए, फ्री में राशन, नमक तक दे दिया फ्री में। नमक देने से क्या हुआ कि उसके बदले में उन्होंने कहा कि भाई जिसका नमक खाया है, हमारे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं वो तो ईमानदार होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो उतने ईमानदार नहीं होते। वो सोचते हैं हमारे पास पैसा है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से हम वोट भी खरीद सकते हैं। तो जब संविधान को लागू किया जा रहा था उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया है, भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन आज से हम दोहरी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ तो हम राजनीतिक रूप से समान होंगे, दूसरी तरफ से हम जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान होने के कारण, गरीब होने के कारण जो लोग हैं अपने वोट का इस्तेमाल अपने फेवर में नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग मतलब उनका लालच दे करके या दबंगई करके उनका वोट जो हासिल कर लेंगे कमज़ोर लोगों का। इसलिए जब तक सामाजिक समानता आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक भारतीय लोकतंत्र का, राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा सीधा मैसेज है, इसलिए हमारे लोगों को अभी समझाने की ज़रूरत है। जो लोग मतलब नोट में बिक जाते हैं, जो लोग अनाज में बिक जाते हैं, 1 जून का अगर भोजन दे दो उसी में लोग उसकी वाहवाह करने लगते हैं, तो वोट की कीमत इसका मतलब वो समझ नहीं पाए। वोट क्या चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा पहले राजा के पेट में से पैदा होता था, रानी के पेट से बच्चा वो राजा बनता था, आज मतलब मशीन से जो पैदा होता है वो मतलब राजा बनता है। तो ये किसने बनाया, आपके हाथ में, जनता के हाथ में ताकत दे दी बाबा साहब ने कि आज से अब राजा पैदा आप करेंगे, आज से रानी पैदा नहीं करेगी राजा के लिए, आज से जनता जो है राजा को पैदा करेगी, और आज से जो है राजा जो है रानी के पेट से पैदा होगा, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, आज मतलब आम जनता के कोख से पैदा होगा। तो जनता का सीधा जनता का मतलब जो है राज मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा किया, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे, जनता नहीं समझ रही इस बात के लिए। जनता को समझाना किसका काम है, जनता का समझाना सामाजिक संस्थाओं का काम है, जनता को समझाना राजनीतिक दलों का काम है। तो समझाएंगे तो समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि अभ्यास करिए, धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ होता है, निराश नहीं होना चाहिए, अभ्यास करेंगे तो जरूर आपके लिए फल मिलेगा। सर अभी आपने बोला था, बाबा साहब ने कहा था रोटी के बिना रह लीजिए, स्वाभिमान के बिना मत रहिए, तो स्वाभिमान से दलित किस प्रकार हासिल करेंगे? देखिए स्वाभिमान अपने जैसे वोट है आपका, आपके पास में सामाजिक संस्थाएं हैं, तो राजनीति वाले लोग राजनीति के द्वारा अपना प्रचार कर रहे हैं कि सम्मान और स्वाभिमान से जिंदा रहने का सबसे बड़ा मतलब जो है अधिकार है, और वोट का अधिकार से राजा बनता है। जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, जिसका कोई राजा नहीं है वो समाज जो है ताज़ा नहीं है, बासा होता है। जिस तरह से लोग बासी रोटी को कोई नहीं खाना चाहता, इसी तरह से बासे समाज को जिसका कोई राजा नहीं है, ऐसे समाज को हर कोई मतलब दलित समझता है। तो अगर वो दलित बनकर रहना चाहते हैं तो उनको बासी रोटी खानी चाहिए, अगर उनको सम्मान से रहना है, राजा बन के रहना है, तो उनके लिए जो है बहुजन समाज कहना चाहिए अपने लिए। जब जिस दिन वो बहुजन समाज अपने को कहने लगता है, दलितपन को दूर कर देता है, उस दिन वो हाथ फैलाना छोड़ देता है, हाथ को देना शुरू कर देता है। तो देने वाला हमेशा राजा होता है और मांगने वाला हमेशा प्रजा होता है, दलित होता है। तो दलितपन को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अभियान चलाया था उसी को माननीय काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, और उसी के लिए हमारे जो बहुजन समाज है वो उनके लिए आगे मतलब बढ़ा रहा है, और मतलब जरूर मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।